परम आराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से संत साहित्य से परम हित प्यारे विद्वान साहित्य सेवी सज्जन महाशय गण तथा अन्य सर्व सज्जन वृंद, मैं अपने को आप सबके बीच में उपस्थित करके अवश्य ही प्रसन्न हो रहा हूँ, क्योंकि आप महानुभावों के साक्षात्कार से मुझे सुख हो रहा है। परंतु जिस पद पर आप महानुभावों ने मुझे बैठाया है, उस पद पर बैठने की योग्यता अपने में मैं रंच मात्र भी नहीं पाता, इसलिए मुझे संकोच हो रहा है। मैंने अपनी इस अयोग्यता को सम्मेलन के मंत्री महोदय तथा श्री नरेंद्र प्रसाद जी स्नेही के सामने प्रकट कर दिया था और भागलपुर से पत्र लिखा था कि मैं आपके बुलाने की अवहेलना करने का साहस नहीं करता हूं, आपके सम्मेलन में उपस्थित होऊंगा, परंतु सभापति के आसन पर योग्य विद्वान को ही आप आसीन करें। मैं उस आसन पर बैठने की योग्यता नहीं रखता। इसके उत्तर में मंत्री महोदय जी ने लिखा कि आपके सभापति होने में जनता और साहित्यिक सभी प्रसन्न है, अतः यतः यह निर्णय अब नहीं बदला जा सकता। इसलिए इस संबंध में आपको कृपा करनी होगी। निज भाषा के साहित्यिक सम्मेलन में बुलाए जाने पर उसमें उपस्थित नहीं होना अपनी भाषा की शिक्षा से अपने को वंचित रखना है। जो निज दुख का हेतु है, मेरी सम्मति में ऐसे सम्मेलनों में सब लोग उपस्थित होकर लाभ उठाया करें, जबकि मुझ अयोग्य को ही सभापति के आसन पर बैठाया गया है, तब एक अयोग्य से जो होने की संभावना होती है वही होगी। इसके लिए मैं आप सज्जनों से क्षमा प्रार्थी हूं। वांग्मय अथवा पठन पाठन विषयक सर्वसाधारण हित संबंधी गद्य पद्यात्मक वाक्यों को अथवा इनकी पुस्तकों को मैं साहित्य कहकर जानता हूं, परंतु वाक्य का कहने का या लिखने वाला मनुष्य होता है, इसमें किसी को भी संशय नहीं है। पुस्तकें मनुष्य के वाक्य को सुरक्षित रखने वाली हैं, इसलिए ये अत्यंत यत्न पूर्वक विशेष सुरक्षित रखने योग्य है। इन्हीं पुस्तकों के भंडार को मैं साहित्य भंडार कहूंगा। आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों के हितों और उन्नतियों में सफल रहना मनुष्य जीवन की सफलता है। जो मनुष्य का हित मानने योग्य है, इसी हित के ज्ञान देने वाले ग्रंथों को साहित्य कहा जा सकता है। साहित्य से सदा लाभ होता आया है और सदा लाभ होता रहेगा। साहित्य हीन देश
और समाज में हानि ही हानि और हीनता ही हीनता देखने को मिलती है। आर्य और अनार्य दोनों समाज इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। आर्यों में भी जो साहित्यिक ज्ञान से हीन है वे हीन दशा के का ही भोग भोग रहे हैं। इलौकिक पारलौकिक संसारिक तथा परमार्थिक लाभों का ज्ञान देने वाला कला कौशल और विज्ञान का सिखलाने वाला गिरे हुए को उठाने वाला असाहसी को साहसी आलसी को निरालसी निरुत्साही को उत्साही निरुद्यमी को उद्यमी असंयमी को संयमी विचारहीन को विचारशील शील अज्ञानी को ज्ञानी अभक्त को भक्त आसक्त को कर्म निरत को निराशक्त कर्म निरत अवनत को उन्नत करने वाला और रोते हुए को हंसाने वाला साहित्य है। जिस भाषा का साहित्य भंडार आध्यात्मिक और आदि भौतिक दोनों पक्षों के संपूर्ण विषयों की पुस्तकों से भरा हुआ है उस भाषा के साहित्य से सर्वसाधारण का परम हित होगा। हमारे साहित्य से भी विद्वान सज्जन अपनी भाषा के साहित्य भंडार को ऐसे ही बनाने का प्रयत्न करें, जनता इसमें सहायता पहुंचावे और अपनी सरकार भी इसमें सब प्रकार से बल देने की विशेष कृपा करें। मैं पुनः साहित्यिक विद्वानों से निवेदन करता हूं कि वे अपने मस्तिष्क में के साहित्य भंडार की धन राशि को लेखबद्ध करके रखते जाएं। इसके लिए वे किसी पुरस्कार व आय की इच्छा न करें। सेवा का फल लोकहित होना चाहिए। अपने देश में अब कई वर्षों से स्वराज प्राप्त है, यह हमें भारतीय जनता के लिए सर्वेश्वर की असीम कृपा से अहोभाग्य है। स्वराज प्राप्त होने से पहले आशा थी कि स्वराज प्राप्त होने पर हम लोगों को सुराज होगा और हम लोग सुखी हो जाएंगे, परंतु हम लोग स्वराज पाने पर अपने को सुखी नहीं पा रहे, क्योंकि अपने में अनैतिकता भ्रष्टाचार केवल भौतिकता की ओर झुकाव और आध्यात्मिकता की ओर से मुख मोड़ाव का साम्राज्य हमारे यहाँ हो गया है। इसी से स्वराज में हम सुराज नहीं देख रहे हैं और जनता दुखी है। जैसे विदेशी शासन की प्रबल शक्ति को हम लोगों ने अनेक कष्टों और अपमानों को सहन करके अपने देश से हटाया है, उसी तरह चाहिए कि इस कथित साम्राज्य को भी हम लोग दूर कर दें। विदेशी शासन को उखाड़ कर फेंकने में साहित्यिक और साहित्यिकों का बड़ा हाथ था। साहित्य से ही देश में स्वराज प्राप्ति की प्रेरणा ज्ञान और शक्ति मिली थी। ऊपर कथित अनैतिकता आदि के साम्राज्य को भी हम लोग साहित्य से ही बल पाकर दूर कर सकेंगे। मैं केवल संत साहित्य का ही स्वल्पाति स्वल्प अंश जानता हूं, जिसमें कथित साम्राज्य को नष्ट करने का प्रेरण और बल मैं पाता हूं। संत कबीर साहब कहते हैं कि क्षमा गहो हो भाई धर सतगुरु चरण ध्यान रे, मिथ्या कपट तजो चतुराई तजो जात अभिमान रे, दया दीनता समता धारो हो जीवन मृतक समान रे, सुरत निरत मन पवन एक कर सुनो शब्द धुन तान रे, कहे कबीर पहुंचो सतलोका जा रहे पुरुष अमान रे। इस अमृतमय शब्द को समझकर इसमें निहित सदुपदेशों के अनुकूल यदि लोग आचरण करें तो वे झूठ चोरी चोर बजारी और घुसखोरी घृणित स्वार्थ पर पीड़न धूर्तता और कपट आदि को स्वराज के परम बाधक हैं और जनता के परम दुखदाई हैं, सबको छोड़ देंगे। देश में स्वराज होगा, जनता सुखी हो जाएगी और साथ ही साथ मोक्ष धर्म साधन में भी जनता लग जाएगी।
जिससे उसका परम कल्याण हो जाएगा। संत साहित्य में ऐसे सदुपदेशों की प्रचुरता है जिससे जनता को इहलोक परलोक दोनों में सुख प्राप्त हो। वर्तमान साहित्यिकों को चाहिए कि अपनी भाषा के साहित्य के भंडार को समृद्धशाली बनाने के लिए संत साहित्य का अध्ययन तथा अनुसरण करें। परमात्मा भक्ति की ओर अर्थात आध्यात्मिकता की ओर का प्रेरण समाज को सदाचार पालन की ओर प्रेरण करेगा। सदाचार पालन से सामाजिक नीति और आचरण उत्तम बनेंगे, राजनीति और शासन सूत्र का संचालन भी तब निर्दोष और सुखदायक होगा। इस तरह स्वराज में स्वराज होगा और देशवासी सुखी हो जाएंगे। उपयुक्त कहे गए प्रेरणों की पुरानी और नई रचनाओं के प्रचार की देश में अत्यंत आवश्यकता है। सब लोग इस ओर अच्छी तरह ध्यान दें और इसके व्यापक प्रचार तथा प्रसार में विशेष संलग्नता से तन मन धन लगाने की कृपा करें। साहित्य महानुभावों से नम्र निवेदन है कि संत रचनाओं का अर्थ साहित्यिक ज्ञान बल्कि साथ साथ संतों के पारिभाषिक शब्दार्थ बल तथा संत साधना बल को मिलाकर करने की कृपा करें तो संभव है कि उसमें त्रुटि नहीं रहने पाएगी। संत साधना की युक्ति जानकर साधन करते हुए तथा उनमें निरंतर बढ़ते रहकर रहस्य का ज्ञान अनुभूति के द्वारा प्राप्त होने पर संत वाणी का शुद्ध बोध होना संभव है। भूगोल के पुस्तकीय ज्ञान और भूमंडल भ्रमण करने के व्यवहारिक ज्ञान में अवश्य अंतर होना चाहिए। इसी तरह संत साहित्य के केवल साहित्यिक ज्ञान तथा संत साधना साधक के ज्ञान में अंतर मानना चाहिए। अब अपने देश और अपनी भाषा के नामों के विषय में कुछ कहना मुझे आवश्यक जान पड़ता है। हाँ, क्या हम लोग अपने को हिंदू कहते रहेंगे? क्या अपने देश को हिंद व हिंदुस्तान ही कहें? क्या अपनी भाषा को हम लोग हिंदी ही कहें? साहित्यिक लाभ में उच्च कोटि के साहित्यिक श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि हिंद शब्द फारसी भाषा का है। फारसी हिंद बहुत पुराना है, उसका प्रचार इस देश में मुसलमानों के द्वारा हुआ। फारसी भाषा में हिंदू शब्द को काले के अर्थ में व्यवहारित होता है, वह मुसलमानों की कृपा का फल है। हाँ जी, जबकि हिंद या हिंदू शब्दों के विषय में उपर्युक्त जानकारी है तब हिंद या हिंदू शब्दों का अर्थ फारसी कोश में जो दिया गया है वही मानना ठीक है, न कि संस्कृत के अनुकूल मानना ठीक है। यदि हमारे पूर्वजों के द्वारा हिंद शब्द अपने देश के लिए और हिंदू शब्द अपने लिए रखे गए होते और मुसलमानों के द्वारा प्रचार के पहले से ही ऐसा हुआ होता तो हिंद शब्द फारसी भाषा का है कहने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता है। जिन लोगों ने हमारे देश को नामकरण के लिए फारसी का शब्द निहिंद रखा और हमको हिंदू कहा, उन्होंने ही इन शब्दों का प्रचार हमारे देश में किया तो उनका ही अर्थ न्यायतः संसार को उचित जचेगा, न कि संस्कृत वाला अर्थ। लोग यह भी कहा करते हैं कि अफगानिस्तान, कंदहार, ईरान और अरब आदि के रहने वाले स का उच्चारण नहीं कर सकते, उन्होंने सिंधु नदी को हिंद कहा और उसी से हिंदू और हिंदुस्तान बने। फारसी लिपि में चार स हैं, शे, सीन, शीन और शाद। ये लोग सुभान अल्लाह, शख्स, साहब, गुलशन आदि और शाह आदि बोल सकते हैं, पर सिंध वे नहीं बोल सकते, या कैसे विश्वास किया जाए? सिंध को हिंद कहने से समस्त भारत वर्ष का नाम हिंद हो गया, या पर सिंध प्रांत का नाम सिंध ही रह गया? हमारे सप्ताह को उन्होंने हफ्ता कहा, वे स के बदले ह कहा करते हैं। उनके पुष्टिकरण के लिए कुछ लोग उपर्युक्त प्रमाण भी देते हैं, पर यह प्रमाण भी मुझे संतुष्ट
नहीं करता। साहित्य लाभ में संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंद और हिंदू शब्दों को संस्कृत शब्द सिद्ध किया गया है और अर्थ हिंसा करने वाले को खंडन करने वाले अथवा संताप पहुंचाने वाला कहा गया है। यह भी कहा गया कि हिंदू शब्द का प्रयोग संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। एक स्थल में उनका अर्थ भी लिखा है। हीन लोगों पर दोषारोपण करें उसे हिंदू कहते हैं। भेद इतना ही है कि यहाँ हिंसक अर्थ न लेकर हीन लिखा गया। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में के अनुसार जब हीन अर्थ किया गया है तब उस स्थान पर जो हिंसक अर्थ कहा गया है सो बतलाना चाहिए था कि दोनों में से कौन सा अर्थ शुद्ध और पूर्ण है। और उद्धरणों के लिए उद्धरणों के सहित उन प्राचीन ग्रंथों के नाम को भी लिखकर बता देना चाहिए था। यह भी बता देना चाहिए था कि संस्कृत भाषा विद्वान के अनुकूल उन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की प्राचीनता कितनी है, परंतु ये सब कुछ नहीं बतलाए गए हैं। अतएव मैं साहित्य लाभ से भी हिंद हिंदू हिंदुस्तान और हिंदी के अर्थों के विषय में संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग मुसलमान के राजत्व काल से अपने को हिंदू कहते और कहलाते चले आ रहे, इसलिए हिंदू हिंद हिंदुस्तान और हिंदी शब्दों को महत्व देकर अपना लें यह मुझे उचित नहीं जचता। मुझे तो काला, गुलाम और चोर आदि अर्थ वाले शब्द से अपने को अलग रखना ही अच्छा मालूम पड़ता है। गुलाम, गुलाम का देश और गुलाम की भाषा अर्थ वाले शब्दों से संसार की दृष्टि में अपने को हेतर दर्शना हमारे लिए अत्यंत अयोग्य है। महाभारत युद्ध काल में और उसके महाभारत पुस्तक बनने के समय तक तथा बौद्ध और जैन काल तक भी हमारे पूर्वज अपने को हिंदू, अपने देश को हिंदुस्तान और अपनी भाषा को हिंदू संभवतः नहीं कहते थे। कर्म कांड में कुछ संकल्प कराते समय हमको हमारे पुरोहित आर्यावर्ते, भरत खंडे आदि पढ़ाते न कि हिंदे और हिंदुस्तान। इससे अच्छी तरह विदित होता है कि मुसलमानों के द्वारा हिंद व हिंदुस्तान और हिंदू शब्दों के प्रचार के पहले हमारे पूर्वज अपने देश को हिंदू और हिंदुस्तान और अपने को हिंदू कहा करते थे। इस तरह जानकर अपनी भाषा को हम हिंदी कहें यह उचित नहीं जचता। ऐसा कौन है जो अपने देश तथा अपनी भाषा के लिए घृणित और घोर अपमानजनक शब्दों को सहन करे और रखे रहें। हमको हे और नीच दृष्टि से देखने वाले लोगों के द्वारा दिए गए जिन शब्दों से अपना घोर अपमान किया गया जानने में आता है कि उन शब्दों का अर्थ आदर सूचक मानकर अपने लिए रहने देना मुझे उचित नहीं जचता। साहित्य लाप में फारसी हिंदी बहुत पुराना है, लिखा गया है कि और फिर दूसरी जगह उस शब्द को संस्कृत व शब्द सिद्ध किया गया। हिंदू हिंद शब्द को फारसी कहना और फिर उसको संस्कृत बना लेना मुझे अयुक्त प्रतीत होता है। तब यह भी विश्वास होने लगता है कि हिंदू शब्द को भी उसी तरह संस्कृत बनाया गया है और बनाया जाता है। यदि हमारे पूर्वज अपने को हिंदू कहे होते और उनके लिए यह शब्द उसी काल में अधिक प्रचलित हुआ होता तो फारस वाले हिंदू शब्द की उत्पत्ति हिंदू शब्द से किए होते, परंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है। साहित्य लाप को संस्कृत हिंद से हिंद शब्द की उत्पत्ति संभव मालूम होता है, जबकि हिंद को संस्कृत भाषा का शब्द सिद्ध किया गया तब फिर उसकी उत्पत्ति हिंद से फारस वाले किए हो और यह शब्द फारसी बन गया। इस प्रकार कथन मुझे संतुष्ट नहीं करता। यदि हमारे पूर्वज अपने को हिंदू कहे होते तो अपने देश को भी हिंदुस्तान अवश्य कहते हिंदुस्तान नहीं। देश के लिए जिन वीरों ने विदेशी शासन को दृढ़ और भारी जंजीर तोड़ डाला है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वे हिंद हिंदुस्तान और हिंदी शब्दों को हटाकर अपने देश अपने और अपनी भाषा के लिए दूसरे अशोभनीय शब्दों का व्यवहार करें। जब तक मैं अपने विद्वानों और सब अपने विद्वानों और शासन सूत्र संचालकों द्वारा दूसरे शोभनीय शब्दों को स्थिर किया हुआ
नहीं पाऊंगा, तब तक मैं अपने देश को भारत, अपने को भारतीय और अपनी भाषा को भारती कहा करूंगा। अतः मैं इस साहित्य सम्मेलन को भारतीय साहित्य सम्मेलन कहता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि साहित्य सम्मेलन के लिए कार्यालय तथा कला भवन बनाने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। इस मांग की पूर्ति करके साहित्य की उन्नति करने में कार्यकर्ताओं को सहयोग और साहस देना परमोचित है। अपने जिला के साहित्य सम्मेलन के सदस्यों और हितैषियों से मैं निवेदन करता हूं कि वे इस ओर कृपया अपना पूरा ध्यान दें। मैं भारतीय भाषा, जिसको अनेक लोग अभी हिंदी भाषा कहते हैं, कि साहित्य की पूर्ण उन्नति चाहता हूं। जो सज्जन वृंद इस उन्नति में सफल सचेष्ट हैं, उनको अनेक धन्यवाद देता हूं। उनकी इस उदारता पर तो मैं अत्यंत मुग्ध हूं कि ये मुझसे अयोग का भी आदर करते हैं। मैं इसलिए उनको पुनः धन्यवाद देता हूं। मैं परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी शुभ उन्नतियां हों और ये उत्तरोत्तर सफल होते जाएं। हे प्यारे विद्वान महोदयगण, आपके सामने जो धृष्टता और भूलें मैंने की हों, उसके लिए आप कृपा कर मुझे क्षमा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन पूर्णिया जिला साहित्य सम्मेलन का चौदहवां अधिवेशन उच्च माध्यमिक विद्यालय बनमनखी में दिनांक 1/6/1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।